मधुर भंडारकर, श्वेता बासु, प्रतीक बब्बर, अहना कुमरा पहुंचे सिद्धि विनायक टेम्पल। यहाँ ये पहुंचे थे ब्लेसिंग लेने और अपनी फिल्म के लिए प्रेयर करने। इनकी फिल्म इंडिया लॉकडाउन 2 दिसंबर को रिलीज होने वाली है। ये फिल्म 2019, 20 और 21 के लॉकडाउन के ऊपर बेस है। मधुर भंडारकर अपनी पूरी टीम के साथ में बाप्पा के दर्शन किए और साथ ही में आके बाहर मीडिया से बात भी की। आइए देखते हैं इन्होंने क्या कुछ कहा। सर, आप बताइए, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्ड मिला है आपकी फिल्म को और एक डे वन बचा है और आज आप आए हैं ब्लेसिंग लेने के लिए, तो कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। ट्रेलर को जिस तरह से प्रतिसाद मिला पूरे देश में और हमने ने जो फिल्म दिखाई गई गोवा में, कलकत्ता में और दिल्ली में, बहुत ही अच्छा लोगों ने प्यार किया है पिक्चर को। बहुत खुश है और पप्पा के यहाँ पे मैं बहुत सालों से आ रहा हूँ। हर पिक्चर के मेरे आर्टिस्ट यहाँ पे आते हैं। मुझे लगा कि इंडिया लॉकडाउन को भी हम लोग आना चाहिए और हम लोगों ने आज हमारा शाम को प्रीमियर है तो इसलिए हम आशीर्वाद लेने यहाँ पे आए। काफी टची कहानी है आपकी, चार कहानी है, लोगों को काफी अच्छा लग रहा है। क्या कुछ रिस्पॉन्स आया है ऑडियंस की तरफ से? बहुत अच्छा है, इतना अच्छा है कि वी आर वेरी हैप्पी विद द रिस्पॉन्स। पहली बार एक ऐसी फिल्म बनी जो लॉकडाउन में कभी बनी नहीं है। ये लॉकडाउन में हुआ क्या था और Z5 पे आ रही है 2 दिसंबर को। उम्मीद करता हूँ जितना प्यार स्नेह जितनी बाकी पिक्चर को दिया है उतना ही इंडिया लॉकडाउन को भी देंगे। श्वेता, आप क्या कहना चाहेंगे, क्रिमिनल जस्टिस के बाद में आपको इतना सारा प्यार मिला है, खास करके OTT में आपको इतना प्यार मिला है, आप क्या कहना चाहेंगे, आप कितने एक्साइटेड है कल के लिए? बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है एंड यहाँ पर हम ब्लेसिंग्स लेने आए हैं। थैंक यू माथुर जी एंड पूरी टीम आई है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और आई होप लोग इतना ही प्यार बरसाते रहे और कल Z5 पे हमारी फिल्म देखे। आई एम लिटिल ओवरवेल्म्ड राइट नाउ। सर, आप बताइए, आप कितने एक्साइटेड है आपकी फिल्म को लेकर? हम यहाँ आए हैं आशीर्वाद लेने और दर्शन लेने। पापा का हमारी फिल्म कल रिलीज हो रही है। हम उम्मीद करते हैं कि लोगों को पसंद आए हमारी फिल्म। और मैम, आप क्या कहना चाहेंगे, अभी आपका एक दिन बाकी है आपकी फिल्म रिलीज होने के लिए, आपका किरदार काफी अच्छा लग रहा है, तो आप कितनी एक्साइटेड है फिल्म को लेकर? बस मैं बोलूंगी कि पापा की ब्लेसिंग्स है। हम लोग बहुत लकी हैं कि मधुर सर ने ये हमारे लिए अरेंज किया। पापा की ब्लेसिंग्स मिलना ही एक दिन प्रीमियर से पहले, मतलब प्रीमियर के रात के पहले और एक दिन रिलीज के पहले बहुत बड़ी बात है। ये मैंने कभी किसी डायरेक्टर के साथ नहीं किया, तो मधुर सर को फुल मार्क्स टू हिम एंड अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स। एंड आई थिंक एज प्रदीप सर की ये बहुत ही ऐसी फिल्म है जिससे सब लोग जुड़ेंगे, तो मुझे लगता है कि एक हिस्टोरिकल इवेंट है जो हुआ है और हम लोगों को बस पापा के ब्लेसिंग्स मिले और फिल्म अच्छी हो। आप आपको कैसी लगी ये स्टोरी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस फिल्म के बारे में आपकी क्या राय है हमें ये कमेंट करके भी बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए डेली मनोरंजन।